अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिश शाहिद। आज हम आपको डेमो दिखाने जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर, जो कि ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है। किसी भी किस्म का आपका इंस्टॉलमेंट का बिजनेस है, जिसमें आप अपने कस्टमर्स को इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें सेल करते हैं, चाहे फिर वो कार बाइक की कैटेगरी हो, मोबाइल की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, हाउस सेल करते हैं, लैंड बिल्डिंग्स वगैरह आप इंस्टॉलमेंट पर देते हैं, तो वो पूरा एक हमारे पास कंप्लीट ईआरपी सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जिसमें आपके कस्टमर का डेटाबेस, कितनी कस्टमर से पेमेंट आ गई है, पेमेंट नहीं आई है, इसकी जो है वो पेमेंट स्केजुलिंग आ जाती है सारी, 12 महीने का स्केजुल है, 24 महीने का है, यानी ये तमाम तर चीज़ें हमने पूरे सॉफ्टवेयर में बनाई हुई। आइए आपको सॉफ्टवेयर का डैमो दिखाते हैं। ये हम आ जाते हैं हमारे इंस्टॉलमेंट के सॉफ्टवेयर की तरफ। सबसे पहले हम आते हैं लॉग इन फॉर्म पर। यह आ गया हमारा लॉग इन फॉर्म। यहाँ पर आप मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं और अलग अलग यूज़र्स को अलग अलग राइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको मैंने कंटिन्यू किया। यहाँ से हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम आते हैं ऐड न्यू आइटम्स। आपका बिजनेस किस चीज़ का है, फॉर एग्जांपल आप बाइक्स इंस्टॉलमेंट पे देते हैं, मैंने मेन कैटेगरी में कर दिया बाइक्स। अब बाइक के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हैं, यामाहा है, 70 है, होंडा है। अब ये मैंने सब कैटेगरी में बताया यामाहा। अब मैंने बता दिया YBR, आइटम का नाम है YBR यामाहा, ठीक है। उसका आगे डिस्क्रिप्शन, मॉडल नंबर, कलर वगैरह सब लिख सकते हैं आप। इसके साथ परचेजिंग प्राइस आप डाल सकते हैं कि आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। ये मेरे पास एक आइटम ऐड हो गया। आइटम ऐड होने के बाद अब आ जाते हैं वेंडर्स के अंदर, जिनसे आप स्टॉक खरीद रहे हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल अपने वेंडर अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पर आप परचेजिंग डालेंगे, परचेज बिल में आ गया। मैंने बता दिया मैं फॉर एग्जाम्पल जापान इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टॉक खरीद रहा हूँ। ये इसका इनवॉइस नंबर है। मैंने एक जो है वो बाइक परचेज कर ली और इसकी क्वांटिटी में रेट डाल दी मैंने, फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपये की मुझे इसकी परचेजिंग प्राइस है। अब अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो मैं यहाँ पे पेमेंट कर सकता हूँ अपने वेंडर को। फॉर एग्जाम्पल मैंने 20,000 रुपये एडवांस दे दिए। इसको मैं यहाँ से प्रिंट करता हूँ तो ये मेरे पास इसका प्रिंट फॉर्मेट भी जो है वो आ जाता है। आपको प्रिंट करके भी दिखा देते हैं। एक एक परचेज इनवॉइस आपकी प्रिंट हो जाती है, जिसमें तमाम तरह चीज़ें आती हैं कि आपने किस वेंडर से ख़रीदी है, क्या आपका आइटम का नाम क्या है, सारी चीज़ें। इसके बाद हम आते हैं कस्टमर। जब आपके पास कोई कस्टमर आता है तो उसका पूरा डेटा किस तरह ऐड होगा। यहाँ पे आपने ऐड का बटन दबाया। अब फॉर एग्जांपल इमरान अली एक कस्टमर है, उसका कॉन्टेक्ट पर्सन, एड्रेस, उसका रीजन आप डाल देंगे, किस इलाके से, किस एरिया से, उसका मोबाइल नंबर जो भी है वो आप डाल देंगे, टेलीफोन नंबर, फैक्स, उसका जो है वो बिजनेस सेक्टर, बिजनेस क्या करता है, अच्छा फुल नेम, उसका जो गारंटर है यानी जो उसकी गारंटी ले रहा है, फॉर एग्जांपल हारिस उसकी गारंटी ले रहा है, उसका CNIC नंबर डाल देंगे, टेलीफोन डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे। फिर गारंटर टू, यानी एक एक बंदे के दो गारंटी होनी चाहिए, तो गारंटर टू में हम डाल देंगे, फॉर एग्जांपल यासिर उसका गारंटर है, उसका ये NIC नंबर है, ये इसका फ़ोन नंबर है, और एड्रेस जो भी होगा वो आप डाल देंगे। साथ में आप उसकी पिक्चर भी डाल सकते हैं, जो बंदा आपके पास जो चीज़ ले रहा है उसकी आप तस्वीर भी डाल सकते हैं। इसको हमने सेव कर दिया तो ये आप देख सकते हैं इमरान मेरे पास कस्टमर में ऐड हो गया, ठीक है। इस तरह आप अपने तमाम कस्टमर ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेल बिल पे। सेल बिल पे हमने बता दिया कि हम बेच रहे हैं इमरान को। अच्छा, इमरान को बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, अच्छा यहाँ पे क्रेडिट ड्यू डेट भी आप सेलेक्ट कर देंगे कि इसकी क्रेडिट ड्यू डेट क्या है। पहले तो हमने बता दिया आइटम कौन सा है, YBR यामा हम बेच रहे हैं 50,000 रुपये की, ठीक है। 50,000 रुपये की हम बेच रहे हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट है, सही है, 12 महीने की इंस्टॉलमेंट पर दे रहे हैं। ऑटोमेटिक पर मंथ की इसकी इंस्टॉलमेंट निकल आएगी कि पर महीने इसको देने 4,166 रुपये, ठीक है। स्टार्टिंग कब से हो रहा है, मैंने बता दिया जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया। अब इसकी जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये आपको कितनी दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डाउन पेमेंट इतने में 10,000 रुपये दे दिए। जैसे ही मैं 10,000 रुपये सेलेक्ट करके वापस से यहाँ पे मैं 12 लिख के एंटर करूँगा तो मेरी ऑटोमेटिक पर मंथ की इंस्टॉलमेंट कम हो गई। पर मंथ की इंस्टॉलमेंट हो गई 3,333 रुपये, ये आपको हर महीने पे करेगा। क्रेडिट ड्यू डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी ड्यू डेट होगी वो आप बता देंगे कि 5 तारीख को ड्यू डेट हो रही है, 6 तारीख को हो रही है, वो यहाँ पे ड्यू डेट आ जाएगी। इसके साथ यहाँ पे सिंपल में वहाँ प्रिंट का बटन है, प्रिंट जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट भी, रिपोर्ट भी आ जाएगी और उसका पेमेंट स्केड्यूल भी आ जाएगा। मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। ये मैंने प्रिंट किया, ये मेरे पास एक सेलेक्ट करेक्ट सॉरी इनकम अकाउंट में सेलेक्ट कर दूंगा कि मैं ये इनकम अकाउंट है मेरा, इसको मैंने प्रिंट कर दिया। ये मेरे पास एक स्लिप आ जाएगी, ऊपर आपकी कंपनी का नाम, टेलीफोन, कस्टमर का नाम, कौन सा आइटम था, कितनी इतने अमाउंट दी थी, पूरा एक बिल बन के आ गया। जैसे हमने प्रिंट से बाहर निकले ये हमारा इंस्टॉलमेंट प्लान आ गया। अब आप देख सकते हैं इसकी 50,000 की बिल अमाउंट है, 10,000 रुपये डाउन पेमेंट आ गई है, 40,000 रुपये बकाया बैलेंस है, 12 महीने की इंस्टॉलमेंट है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट ये बन रही है।
अब यहाँ पे आप इसका इंस्टॉलमेंट प्लान डिफाइन कर देंगे। अब मैंने बता दिया फरवरी की जो है वो इसकी इंस्टॉलमेंट प्लान की अमाउंट है फॉर एग्जाम्पल 333 रुपये। ड्यू डेट क्या है मैंने बता दिया 5/2/2022। चेक नंबर के थ्रू देगा, यानी पूरा आप यहाँ पे जितने भी इसके 12 महीने के पूरा इंस्टॉलमेंट यहाँ पे सेट कर देंगे। इसको मैंने सेव कर दिया, ये मेरे पास सेव हो गया। सेव होने के बाद आप आ जाते हैं इसकी इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट पे। इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट पे आ जाऊँगा, ये आप देख सकते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट आ गई जिसमें बता रहा है इमरान अली की पहली जो है वो 50,000 की अमाउंट थी, 10,000 रुपये रिसीव हो चुके हैं, 40,000 बैलेंस है, जिसके पहली इंस्टॉलमेंट इसकी जो आई है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि 333 रुपये ड्यू डेट जो है वो ये इंस्टॉलमेंट है। तरह आप कस्टमर वाइज पीरियड वाइज इसको आप फिल्टर कर सकते हैं, ड्यू डेट की रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं, यानी जो इंस्टॉलमेंट पेंडिंग होंगी ऑटोमेटिक ड्यू डेट पर वो आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पर आप डेट वाइज फिल्टर कर सकते हैं, कस्टमर वाइज फिल्टर कर सकते हैं, तमाम लोगों की आ जाएगी। आपको किसी एक की फिल्टर करनी है तो आप एक कस्टमर की फिल्टर कर सकते हैं। इसके साथ इसमें कंप्लीट फर्दर रिपोर्ट्स हैं, सेल की रिपोर्ट है, यानी आपने पूरे महीने में कौन कौन सी चीज़ें बेची हैं, पीरियड वाइज आपको रिपोर्ट चाहिए, एम्प्लॉय वाइज चाहिए, कस्टमर वाइज चाहिए, परचेजेस जो आपने खुद परचेज किए मार्केट से उसकी टोटल कॉस्टिंग आपको देखनी है कि आपने टोटल क्या परचेजिंग की है, प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट है इसमें आइटम वाइज, यानी कि आपको पता चल रहा होगा एक बाइक बेचने पर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है या तमाम आइटम आपने जो सेल किए अब तक उस पर आपको क्या प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा आपके पास अकाउंट्स लेजर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको इंडिविजुअली लेजर देखना है इमरान का, तो आपके पास पूरा लेजर आ जाएगा कि 50,000 की अमाउंट थी, 10,000 रुपये आ चुके हैं, बकाया 40,000 रुपये बैलेंस है। इसको प्रिंट करेंगे तो ये कस्टमर के लेजर भी प्रिंट हो जाएंगे। इसके साथ आपके पास इनकम स्टेटमेंट है कंप्लीट, आपकी जो P&L रिपोर्ट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, जिसमें आपकी तमाम बिजनेस की चीज़ें आती हैं, आपके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टैक्सेशन के बाद जो लास्ट नेट प्रॉफिट एंड लॉस होता है पूरा आपका बन के आ जाता है। ये पूरा हमारा इंस्टॉलमेंट के लिए ERP सॉफ्टवेयर बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ है, आज ही हमसे रब्ता कीजिए ताकि हम आपको फर्दर डेमो और डिटेल्स के हवाले से बात कर सकें, आपसे मीटिंग भी अलाइन कर सकते हैं हम। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।